हेलो एवरीबॉडी, आज हमारे सामने आप देख सकते हो Hyundai की Exter, और ये कोई नॉर्मल अपना वेरिएंट नहीं है। Hyundai ने चुपके एक नया इसका एडिशन भी निकाल दिया है। एडिशन क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, नाइट एडिशन। तो नाइट एडिशन में आपको एग्जैक्टली क्या फीचर्स मिलते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और नाइट एडिशन आपको वैसे बहुत सारे वेरिएंट्स में मिलता है, SX में मिलता है, फिर अपना SX ऑप्शनल कनेक्ट में मिलता है। तो ये अपना बिल्कुल एक्स्टर का टॉप मॉडल SX ऑप्शनल कनेक्ट है, उसके ऊपर नाइट एडिशन बेस्ड है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि इसमें आपको एग्जैक्टली क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, इंजन स्पेसिफिकेशंस क्या है, स्पेस, प्रैक्टिकलिटी, प्रोज कॉन्स, और फाइनली कीमत इसकी कितनी रखी गई है। सबसे पहले, कुछ भी दिखाने से पहले, मैं आपको चाबी दिखा दूं। चाबी आपको वही टिपिकल Hyundai वाला मिलता है, सेम चाबी आपने इनकी ऑलमोस्ट हर एक कार में देखा है। ब्राउन कलर का चाबी है, यहाँ पे अपना Hyundai का लोगो है। लॉक, अनलॉक, और इसको होल्ड करके जो बूट अनलॉक है वो आप कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ से आप इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है वो देखो। रेगुलर एक्स्टर के कंपैरिजन में जो चेंज है वो है कि Hyundai का लोगो इन्होंने पूरी तरह से ब्लैक आउट कर दिया है। इवन जो एक्स्टर का ब्रांडिंग है, बैज है, इसको भी ऑल ब्लैक कर दिया गया है। नीचे बात करें तो यहाँ पे जो ग्रिल है ये भी ऑल ब्लैक आपको मिलता है। थोड़ा सा ईवी वाला फील आपको ये देने वाला है। यहाँ पे आपको वही एच शेप मिल जाते हैं DRLs। इंडिकेटर भी अपना यहीं पे इंटीग्रेटेड है, बट ये आपको मिलता है बल्ब, अंदर देख सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाता है प्रोजेक्टर में जो हेडलैम्प्स है वो, बट ये हैलोजन बेस्ड है। इस कार में आपको वैसे कोई फॉग लैम्प देखने को नहीं मिलते। नाइट एडिशन की निशानी यही है कि सामने ये जो रेड इंसर्ट है ये इन्होंने डाल दिया, जिससे कि कार थोड़ी सी और ज़्यादा स्पोर्टी लगे। ठीक है, तो आ जाते हैं साइड में। साइड से भी आप देख सकते हो काफ़ी सारा जो चेंजेस है वो किया गया है नाइट एडिशन में। सबसे पहले जो अलॉय व्हील है इसको पूरी तरह से ब्लैक आउट कर दिया गया, जो कि इस कलर के साथ वैसे काफ़ी सही मेरे को लग रही है। इवन जो ब्रेक कैलिपर्स है अंदर देख सकते हो, इनको भी कर दिया गया है बिल्कुल रेड, जिससे कि भाई साहब स्पोर्टी तो डेफिनेटली ये कार लग रही है। बट एक जो हल्की सी मेरे को नेगेटिव लग रही है, पता है क्या है, वो है टायर सेक्शन। सेक्शन आप देखो, आपको मिल रहा है 175/65 R15। इस कार के साथ डेफिनेटली ये अंडर टायर्ड लग रही है। मिनिमम 16 इंचेस का तो आपका सेक्शन देना ही चाहिए था इसमें। और बात करें तो जो वाइपर्स है ये भी आपको रेगुलर वाले ही देखने को मिलते हैं। ORVMs पे ही टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे माउंटेड है। इस वेरिएंट में आपको बॉडी कलर्ड मिल रहे हैं डोर हैंडल्स, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी दे दिया गया है। जो अपना रूफ रेल है ये भी आपको मिल जाता है ग्लॉस ब्लैक में। टॉप वेरिएंट है इसीलिए आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सनरूफ भी दिया गया है। ठीक है, जो क्वार्टर ग्लास पैनल है वो भी आपको इस पोजीशन पे मिलता है। और पीछे बात करें तो पीछे आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स ही मिल रहा है। और थोड़ा सा पीछे आए तो यहाँ पे स्पॉइलर का भी आपको एक ट्रीटमेंट दिया गया है। गाइस थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, आई एम सो सॉरी, बट यहाँ पे पीछे भी आपको एच शेप मिल जाते हैं टेल लैम्प्स, ये भी LED है। बट जो ब्रेक लाइट वगैरह है वो आपको अंदर हैलोजन मिलता है। इंडिकेटर भी यहाँ पे हैलोजन बल्ब आप देख सकते हो। नाइट एडिशन में अलग से नाइट की बैजिंग आ जाती है। पीछे भी जो Hyundai का लोगो है ये इन्होंने ब्लैक आउट कर दिया गया है। ये जो डायमंड वाला फिनिश दिया गया है, हनीकॉम वाला, ये भी आपको ऑल ब्लैक ही मिलता है। पीछे अपना जो रियर वाइपर है ये दिया गया है, डिफॉगर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प है, फिर अपना वॉशर है। एक्स्टर की बैजिंग भी इन्होंने कर दिया है ऑल ब्लैक। बट ये पेंट उठ रहा है क्या, ये क्या चीज़ है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। और दो अपने पार्किंग सेंसर्स हो गए, कैमरा का प्लेसमेंट यहाँ पे दिया गया है, और जो रेड इंसर्ट है वो आपको पीछे भी दिया गया है। इस पोजीशन से आप देख सकते हो कि ये कैसी आपको लुक दे रही है। पीछे बूट स्पेस की बात करें तो आपको इस कार में 391 liters का वैसे बूट स्पेस मिल जाता है। अंदर आपको एक पार्सल ट्री भी दिया गया है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि एक्स्टर नाइट एडिशन टॉप मॉडल में आपको एग्जैक्टली अंदर क्या फीचर्स और अम्यूनिटीज मिलते हैं। खोल लेते हैं इसका जो फ्रंट डोर है वो। डोर अपर्चर वैसे काफ़ी सही मेरे को लगी। इनग्रेस और जो एग्रेस है आपके लिए इजी बन जाएगा। यहाँ पे एक्स्टर का जो स्कफ प्लेट है, वेलकम प्लेट आप किसको कह सकते हो, वो आपको मिलता है। डार्क क्रोम में आपको यहाँ पे दिया गया है जो डोर हैंडल है वो। डार्क क्रोम कहना गलत होगा, ये ग्रे ही आप इसको मान के चल सकते हो। यहाँ पे अपना स्पीकर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया, ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। फिर जो ड्राइवर साइड विंडो है ये आपको मिल जाता है 1 touch down। बट आपको यहाँ पे कहीं कोई सॉफ्ट टच नहीं मिलता, फैब्रिक भी नहीं मिलता, लेदर तो छोड़ ही दो, ऑल हार्ड प्लास्टिक्स ओवर हियर। यहाँ पे बात करें तो हाइट एडजस्टेबल आपको दिया गया है जो ड्राइवर सीट है वो। और नाइट एडिशन में आपको क्या मिल रहा है, ये ब्लैक और रेड वाले जो सीट्स है ये, बट ये आपको लेदर राइट नहीं मिलते, आपको फैब्रिक ही मिलता है। सेमी लेदर राइट आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये साइड का छोटा सा हिस्सा है ये आपको दिया गया है क्या कहते हैं लेदर राइट में।
अगेन नाइट एडिशन में एसी वेंट का सराउंड कर दिया गया है रेड, स्टार्ट स्टॉप बटन का सराउंड कर दिया गया रेड, जो कि मेरे को तो काफ़ी सही लग रही है। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ पे है, पीछे का कैमरा का व्यू देखना है वो बटन यहाँ पे है, हेडलाइट लेवलर यहाँ पे, वैसे नीचे एक प्रॉपर डेड पेडल भी आप देख सकते हो। तो ये है कुछ अंदर का लेआउट, अंदर से भी देख सकते हो नाइट एडिशन में आपको ऑल ब्लैक और रेड का इंसर्ट दिया गया है। एसी के वेंट के यहाँ पे रेड है, एसी के कंट्रोल्स जो है उसमें रेड सराउंड दिया गया है। तो अटेंशन टू डिटेल मेरे को काफ़ी इनकी सही लगी। गियर लीवर के यहाँ पे जो लेदर है यहाँ पे भी देख सकते हो रेड स्टिचिंग इन्होंने डाल दिया गया है, ठीक है। और जो स्टीयरिंग व्हील है ये भी लेदर रैप्ड है, और जो स्टिचिंग है ये भी इन्होंने किया है रेड। सो डेफिनेटली थम्स अप है मेरी तरफ से, इतना इन्होंने सोचा है इसीलिए। आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स यहाँ पे मिलते हैं, वाइपर्स बेशक आपको मैनुअल ही दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट देख लेते हैं, टिल्ट है बट टेलीस्कोपिक नहीं है, ओके। जो ऑडियो के कंट्रोल्स है वो आपको लेफ्ट साइड पे सारे मिलते हैं। जो MID है उसको ब्राउज करने के स्विचेस यहाँ पे हैं, और इस वेरिएंट में आपको ऑब्वियसली बात है क्रूज कंट्रोल भी मिल जाते हैं। यहाँ पे आए तो आपको जो मैनुअल डिमिंग IRVM में वो मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं मिलता। बट आपको क्या मिलता है, SOS अपना टोइंग और ब्लू लिंक। तो टॉप मॉडल लोगे SX ऑप्शनल कनेक्ट, उसमें आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगा। यहाँ पे अपना वैनिटी मिरर हो गया, यहाँ पे अपना माइक्रोफोन हो गया, टिकट होल्डर का भी आपको सुविधा यहाँ पे दिया गया है। अंदर केबिन लाइट्स आपको यहाँ पे कुछ मिल जाती है, और इस वेरिएंट में आपको मैंने कहा था बाहर से इलेक्ट्रिक सनरूफ भी दिया गया है, कंट्रोल्स यहाँ पे है। ब्लाइंड को आपको हाथ से ही ऐसे मैनुअली बंद करना पड़ेगा, बट कूल तो डेफिनेटली लगती है, नो डाउट अबाउट दैट। कुछ फोन रखने का स्पेस यहाँ पे दिया गया है, और ये प्रैक्टिकल है, ऐसे लुढ़केगी नहीं क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट दिया गया ऊंचा सा, जिससे कि ऐसे फोन अटक जाएगी, तो अच्छी बात है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स काफी डिसेंट साइज का आपको मिलता है कार के साइज के हिसाब से, और अंदर आपको कूलिंग का भी फंक्शन दिया गया है, ओके। एक टाइप सी का सॉकेट यहाँ पे है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, एक USB टाइप ए का सॉकेट है, यहाँ पे आपको प्रॉपर वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है। अब स्क्रीन्स की बात करें तो गाइज आई एम सो सॉरी, कार की जो बैटरी है वो हो चुकी है डाउन, ऑब्वियसली बात है शोरूम के अंदर कार खड़ी रहती है, लोग देखते हैं फीचर्स से छेड़छाड़ करते हैं तो बैटरी बैठ जाती है। बट ये जो MID आपको दिया गया है 8 इंच का आपको डिजिटल मिल जाता है। स्क्रीन पे मैं अभी आपको दे दूंगा कि कैसा इसका डिस्प्ले लेआउट है, वैसे काफ़ी सही आपको ये एनिमेशन वगैरह दे देती है। यहाँ पे बात करें तो ये भी आपको 8 इंच का स्क्रीन मिल जाता है। अच्छी बात यह कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले ये वायरलेसली सपोर्ट कर देता है, और जो अपना क्या नाम लेते हैं फिजिकल बटन्स है ये भी आपको यहाँ पे दिया गया है। और थोड़ा नीचे बढ़े तो आपको 2 कप होल्डर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ पे भी कुछ अपना सामान रख सकते हो। मैनुअल अपना हैंड ब्रेक है, यहाँ पे कोई क्रोम का यूजेज नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली इस वेरिएंट में आपको कोई इस वेरिएंट का टॉप वेरिएंट ये यहाँ पे भी आपको कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता, तो आर्मरेस्ट डेफिनेटली ये कार एक डिजर्व करती है। वैसे काफ़ी ऊंची कार है इसीलिए मैं आपको हाइट दिखा देता हूँ, मेरी ऑलमोस्ट 6 फीट हाइट है, उस हिसाब से हेडरूम मेरे को यहाँ पे बेहतरीन मिल रहा है, मेरे को कोई भी यहाँ पे हेडरूम रिलेटेड शिकायत नहीं है। बट वैसे ये सीट थोड़ी सी नीचे भी की गई है, मैं फुल ऊपर भी कर दूँ तब भी मेरे को हेडरूम यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाएगा। विजिबिलिटी की बात करें तो बॉनेट यहाँ पे मेरे को डिसेंटली विजिबल लग रहा है, बहुत बढ़िया नहीं कहेंगे विजिबिलिटी बॉनेट की स्पेशली, बट ओवरऑल कार की जो विजिबिलिटी है दैट इज एब्सोल्युटली टॉप नॉच, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे की भी जो विजिबिलिटी है इवन दैट्स ग्रेट, ठीक है। अब सीट कम्फर्ट की बात करें, कुशनिंग डिसेंट इनफ है, थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे ही मेरे को लग रहा है। अंडर थाई सपोर्ट कार के साइज के हिसाब से सेगमेंट के हिसाब से मेरे को सही लग रहा है, कोई शिकायत की बात नहीं है। जो साइड ये बोल्स्टरिंग सपोर्ट है ये थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, सीट्स वैसे मेरे को हल्के से पतले फील हो रहे हैं, मतलब मैं थोड़ा सा दुबला पतला बंदा हूँ देख सकते हो, मैं तो कंफर्टेबली यहाँ से बैठा हूँ, बट मेरे से अगर कोई चौड़ा या फिर हट्टा कट्टा बंदा हो ना उसको हल्का सा इशू हो सकता है। और ये जो हेडरेस्ट है ये भी एडजस्टेबल नहीं है, ये भी फिक्स्ड है, तो इन मामलों में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की जो गुंजाइश है वो रह जाती है। वैसे 5 स्पीड अपना मैनुअल गियर बॉक्स है, गियर शिफ्टिंग बहुत इस कार में आपको स्मूथ मिलता है, इसमें भी कोई शिकायत की बात नहीं है। तो सीट जो है बिल्कुल मेरे ड्राइविंग पोजिशन के हिसाब से सेट है, 6 फीट मेरी हाइट है, तो पीछे चल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें स्पेस वैसे आपको कैसा मिलता है, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल खोल लेते हैं इसका रियर डोर। डोर ओपनिंग इज डिसेंट एनफ, थोड़ी सी और बेटर अगर खुल जाती तो मज़ा आ जाता, बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम जस्ट नेट पिकिंग। यहाँ पे अगेन ग्रे में अपना डोर हैंडल फिनिश्ड है, स्पीकर यहाँ पे है, बॉटल होल्डर यहाँ पे है, हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे है, जो पावर विंडो का स्विच है आपको यहाँ मिलता है। इसमें 60-40 मिलता है क्या, वो ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं। जी नहीं, 60-40 आपको यहाँ पे नहीं मिलता, बेंच फोल्डिंग सीट्स ही आपको यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए सर बैठ जाते हैं पीछे,
पीछे का जो मामला है वो भी मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ। नी रूम की बात करें तो नी रूम मेरे को सरप्राइजिंगली काफी अच्छा मिल रहा है, बिकॉज ये जो सीट्स है इसको स्कूप्ड आउट कर दिया गया है, जिससे कि नी रूम डेफिनेटली अच्छा फील यहाँ पे मेरे को करवा रही है। यहाँ पे कोई मैगजीन पॉकेट्स नहीं है, बट इस साइड आपको बेशक मिल जाता है। और जो शिन रूम है ये भी काफी डिसेंट मिल रहा है, अंडर थाइस सपोर्ट मेरे को काफी बढ़िया मिल रहा है। आई एम सरप्राइज, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ऐसी साइज की कार में आपको अंडर थाइस सपोर्ट इतना बढ़िया मिलेगा। पंच से बेटर अंडर थाइस सपोर्ट कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, बट पंच की बात हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। पीछे रियर इसी वेंट हो गया, यहाँ पे भी रेड इंसर्ट देख सकते हो, अपना जो ब्लोअर का फ्लो है वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ पे दिया गया है। जो हम्प है ये मीडियम साइज का मिलता है, ज़्यादा ऊंचा हम इसको नहीं कह सकते। और वैसे बेस वेरिएंट से आपको इसमें 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, एबीएस विद डीवीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, जो ESC, तमाम सेफ्टी फीचर्स है वो भी आपको सारे दिए गए। और सेफ्टी की बात करें तो आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं। बीच के पैसेंजर के लिए प्रॉपर यहाँ पे 3-pointer जो सीट बेल्ट है वो दिया गया है। कार में आपको आइसोफिक्स सीट माउंट भी दिया गया है, तो सेफ्टी वाइज जो फीचर्स है वो तो आपको सारे ही एडिक्वेट इसमें मिल जाते हैं। अंदर यहाँ पे केबिन लाइट भी आपको दिया गया है, आई बिलीव हैलोजन बेस्ड ये होगा। और यहाँ पे जो अपना हैंडल है इस साइड आपको हुक भी मिल जाता है। हेडरूम की बात करें तो पीछे आपको हेडरूम, ओरे बाप रे भाई, हेडरूम तो कुछ ज्यादा ही है, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत जबरदस्त हेडरूम मिल रहा है भाई, खुद देखो। ओके, दैट्स इम्प्रेसिव। तो पीछे का एक्सपीरियंस मेरे को काफी सही लगा, कार के साइज के हिसाब से जो स्पेस मैनेजमेंट है आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय दैट। तो अंडर द हुड जो चीज रहती है जो कि है कार की जान, जो इंजन, वो आपको मिलता है। वैसे बॉनेट काफी हल्का ही मेरे को ऐसे यहाँ पे फील हो रहा है। तो इसमें आपको 1.2 लीटर का के सीरीज इंजन देखने को मिल जाता है। पावर फिगर्स की बात करें तो 83 bhp ऑफ पावर निकाल के दे देता है, एंड 113 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो ये निकाल के दे देता है। प्यार से चलाओगे तो माइलेज भी आपको अच्छा खासा ये आपको निकाल के दे देगा। वैसे काफी रिफाइंड आपको इंजन ये लगने वाला है, 4-cylinder इंजन है, वाइब्रेशन नॉइज बिल्कुल कंट्रोल्ड आपको यहाँ पे मिलता है। तो फाइनल जो चीज़ बाकी रह जाती है वो है कार की जो प्राइस है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर वेरिएंट है अपना SX ऑप्शनल कनेक्ट नाइट एडिशन मैनुअल, इसकी एक शोरूम कीमत है 9,71,000 रुपीज़। तो ऑन रोड की बात करें तो वो तो हर स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, आप किस स्टेट में रहते हो उस हिसाब से जो अपना टैक्स है वो चेंज होगा। तो कैलकाटा की अगर मैं बात करूँ तो 11 lakh के अंडर ही आपको ये ऑन रोड पड़ जाएगी, कुछ 1070 के लगभग अप्रॉक्सीमेटली पड़ जाएगी। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हो तो टॉप मॉडल आपको मिल रहा है, फीचर्स भी आपको अच्छे खासे मिल रहे हैं। और भाई मैंने नौसिखिया वाला एक गलती कर दिया, SX ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है, मैं आपको मेन चीज़ दिखाना ही भूल गया यार। आपको यहाँ पे मिल रहा है इन बिल्ड डैश कैम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है इंडिया जैसे कंट्री में, जहाँ पे हर रोज़ रोड रेज बवाल लफड़े होते रहते, एक डैश कैम का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है। भाई ये मैं आपको दिखाना कैसे भूल गया, मैं यही सोच रहा हूँ इतना, छोड़ो यार मिस्टेक हो गया। जो भी हो यही था वीडियो अबाउट द एक्स्टर नाइट एडिशन टॉप मॉडल। आप लोग बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी, एक्स्टर का नेक्स्ट कौन सा वेरिएंट का वीडियो आप देखना चाहते हो वो भी मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और इतना तक आपने वीडियो देख लिया है, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।